आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहला हमारे पास है MnCl4- जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पैरामैग्नेटिक है। तो MnCl4 में देखिए, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो x मान लीजिए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, तो -4 क्योंकि 4 है इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -1, तो x आ गया +3 में। अब जो मैंगनीज की हमारे पास जो ऑक्सीडेशन, जो हमारे पास आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होती है, वो होती है 3d5 4s2। जब मैंगनीज +3 में जाएगा तो हो जाएगी 3d4, और क्लोरीन जो हमारे पास वो एक वीक फील्डिंग एंड है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। सॉरी, अगर वीक फील्डिंग एंड है तो स्पेयरिंग नहीं करवाई हुई है, तो एक एक सभी प्रेजेंट होगा। ये 3d4 होगी, ये 4s और ये 4p, ठीक है। जब अब क्लोरीन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो एक s ऑर्बिटल एक d ऑर्बिटल वैकेंट है यहाँ पे, एक s में और दो p में, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी dsp2, और ये हमारे पास आ जाएगा पैरा मैग्नेटिक, सॉरी dsp2 आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉरी स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वेयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, और अगर देखें तो इसमें हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरा मैग्नेटिक भी है, तो ये टेट्राहेड्रल नहीं, ये स्क्वेयर प्लैनर है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास ट्रू नहीं होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड है हमारे पास MnCl6 2- आयन हैज ऑक्टाइड्रल ज्योमेट्री एंड इज पैरा मैग्नेटिक। तो अगर हम अब इसको देखें, MnCl6 2- MnCn6 2- तो यहाँ मैंगनीज की देखें तो x मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड पे -1 चार्ज, तो टोटल हो जाएगा -6 -2, तो x आ गया हमारे पास +4। अब हम +4 आ गया, तो जो 3, तो Mn जब +4 में होगा तो वो 3d3 देगा, ठीक है। साइनाइड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड हो तो पेयरिंग करवा सकता है, बट इसको तो दो ही डी ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए होते हैं। अगर इसको ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसे d2sp3, ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसे दो ही डी ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, और यहाँ तो वैसे ही दो डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये अपनी ये इसमें पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो ये हो गया 3d3 4s और ये 4p, ठीक है। अब साइनाइड जो है वो अपने जो लोन पेयर है वो कहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसमें हम देखें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरा मैग्नेटिक भी, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर है CuCn4-3- जो है वो स्पेयर प्लैनर और डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ पे देखें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले x, यहाँ पे देखें तो साइनाइड पे -1 चार्ज, तो -4 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे -3, तो x आ गया +1 में। कॉपर की अगर हम आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन देखें तो 3d10 4s1, कॉपर +1 में जाएगा तो 3d10 हो जाएगा, तो ये सारे पेयर्ड अप रहेंगे 3d10, ठीक है, ये 3d10 हो गया, 4s वैकेंट और 4p वैकेंट, 4s 4p और ये 3d10। तो जब साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक 4s में, 3 4p में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लैनर नहीं है, और डायमैग्नेटिक तो है क्योंकि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक, तो एक तो ठीक है लेकिन डायमैग्नेटिज्म तो ठीक है लेकिन स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री नहीं है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर हमारे पास NiPPH3 2Br3 हैज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री एंड इज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए हम NiPPH3 2Br3, ये हमारे पास है, और इसमें देखिए तो निकल पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, x, PPH3 पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, वो चार्ज नहीं होता, 0, Br पे -1 चार्ज, तो -3 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे भी 0 चार्ज है, 0, तो x इज इक्वल टू +3। अब ये निकल +3 में आ गया, निकल की जो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होती है 3d8 4s2, निकल जब +3 में जाएगा तो 3d7 देगा, अब 3d7 देगा और PPH3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड है, तो ये पेयरिंग करवा देगा, ठीक है, और पेयरिंग करवाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो अनपेयर्ड फिर भी रह जाएगा क्योंकि वो किसी क्योंकि हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर हमारे पास ये एक
3d7 आ गया, फिर ये 4s और ये 4p, 4s और 4p। तो जब अपने जो PPH3 दो है वो एक पेयर यहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ पे PPH3 PPH3, और जो ब्रोमीन आएंगे वो तीनों P में डोनेट कर देंगे, Br- Br- Br-। तो इसकी देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डी एस पी थ्री और डी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और इसमें देखे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरा मैग्नेटिक भी होगा, पैरा मैग्नेटिक भी, तो हमारे पास ये पैरा मैग्नेटिक भी और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो जो इसकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमारे पास है ए एंड सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।